नदर uh, जो लॉट साइजिंग रूल है दैट इज़ बेस्ड ऑन इकनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी का जो हमने uh, किया था इन्वेंट्री के अंदर मॉडल उसके ऊपर बेस्ड करता है uh, इसके अंदर हम बेसिकली uh, यूज़ uh, हम uh, जो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए स्पीकर किट्स इनकॉर्पोरेटेड हैं जो कि बेसिकली इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो हमने फाइंड करना है जिससे हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे इस मेथड की और वी कैन देन सी कि लॉट फॉर लॉट के, के मुकाबले में ये कैसा परफॉर्म करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेथड है इसके अंदर जो डाटा है दैट इज़ प्रोवाइडेड सेम जो कि हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी लॉट फॉर लॉट उसी का डाटा इधर हम यूज़ कर रहे हैं सो so दैट कंपैरिजन बड़े क्लियर हो जाती है इसके अंदर अगेन टेन वीक्स हैं और हर वीक कोई क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो थ्री हंड्रेड डॉलर्स पर ऑर्डर है जबकि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज़ टू डॉलर्स पर यूनिट पर वीक जबकि एवरेज रिक्वायरमेंट जो है ये हम टेन वीक्स के रिक्वायरमेंट्स को सम करके उसको टेन पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज रिक्वायरमेंट आ जाएगी विच इज इन दिस केस 92.1 ये हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है एवरेज नाउ हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल यूज़ करना है जो कि इन्वेंट्री के अंदर हमने यूज़ किया था टू फाइंड द ऑर्डर क्वांटिटी इस केस के अंदर तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इट इज टू डी एस था हमारा इधर सी पी यूज किया हुआ है फॉर ordering cost so 2 CPD bar divided by ch to iske base ke upar 166 unit ki uh, value aa rahi hai for uh, uh, order quantity jisko hum kehte hain economic order quantity ke base ke upar to economic lot size is, 166 that means कि every time जब भी हम order करेंगे तो 166 units सिक्स यूनिट्स करेंगे जैसे ही वन सिक्सटी ख़त्म होने लगेंगे तो हम नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देंगे ये हम नेक्स्ट उसके अंदर देखते हैं आ, इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट फर्स्ट नंबर ऑफ वीक्स पहले में आता है फर्स्ट टेन वीक रिक्वायरमेंट फिर पर वीक की रिक्वायरमेंट है और उसके बेसिस के ऊपर ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है कि फर्स्ट वीक में हमने 166 यूनिट्स के ऑर्डर प्लेस किया अब बिगनिंग इन्वेंट्री वाज 166 सिक्सटी सिक्स दस यूनिट कंज्यूम हुए तो एंडिंग इन्वेंट्री वॉज हंड्रेड दिस एंडिंग इन्वेंट्री बिकेम इन्वेंटरी फॉर वीक टू, जो के हमने इधर शो की हुई है इधर भी, भी 10 हुए, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री वन फोर्टी सिक्स रह गई थर्ड वीक में यही वन फोर्टी सिक्स बिगनिंग इन्वेंट्री बनी फिफ्टीन यूनिट्स कंज्यूम हुए तो एंडिंग इन्वेंट्री थर्ड वीक की 131 बनी और इसी तरह हमने हर वीक का ये एंडिंग इन्वेंट्री और बिगनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ जो हमने उसका ख्याल रखना है वो ये है कि फॉर एग्जांपल सिक्स वीक में 166 के बेस के ऊपर हम रिक्वायरमेंट अपनी मीट कर रहे हैं इसी तरह सेवन्थ वीक में ऑल जो क्वान्टिटी रिक्वायर्ड वॉज टू बट हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो 87 थी तो 166 का ऑर्डर प्लेस किया तो हमारे पास 253 की टोटल इन्वेंट्री आ गई तो उसके अंदर से हमने 216 कंज्यूम कर लिए सेवंथ वीक में तो उसके सेवंथ वीक की एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 37 बनी जब एट्थ वीक के अंदर हम जाते हैं तो एटथ वीक के अंदर थर्टी यूनिट्स के साथ 166 का अगर ऑर्डर करें तो वो डिमांड मीट नहीं कर रहा तो हमने इधर क्या किया है कि जब भी 166 से ज्यादा की क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना पड़े हमें तो हम एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लेस करेंगे मीनिंग लॉट फॉर लॉट वाले हिसाब में हम चले जाएंगे सो इन दिस केस फॉर एग्जांपल एट्थ वीक में 230 की रिक्वायरमेंट थी 37 हमारे पास थे शॉर्ट फॉल की आ रही थी जो कि हंड्रेड जो हमारा लॉट साइज है उससे ज़्यादा है तो हमने फिर एग्जैक्ट 193 का ऑर्डर प्लेस किया एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 166 तो उसके अंदर हमारे पास ये हुआ कि बिगिनिंग इन्वेंट्री 230 आ गई और एंडिंग इन्वेंट्री क्योंकि ये 230 की रिक्वायरमेंट थी वो मीट हो गई तो वो एंडिंग ज़ीरो हो गई इसी तरह नाइन्थ वीक के अंदर भी टू की रिक्वायरमेंट है वन मीट नहीं कर सक रहा तो हमने एग्जैक्ट 200 का ऑर्डर प्लेस किया और बिगनिंग इन्वेंट्री 200 हुई एंडिंग इन्वेंट्री जीरो हो गई फिर टेंथ वीक के अंदर जाकर वी केम बैक टू आर ओरिजिनल लॉट साइज़ क्योंकि 30 की रिक्वायरमेंट और हंड्रेड इसको मीट कर सकता है तो उस वक्त टेंथ वीक में 166 की बिगनिंग इन्वेंट्री है एंड 30 डिडक्ट कर लें जो कि कंज्यूम हो गए तो हंड्रेड की एंडिंग इन्वेंट्री रह गई अब इधर हमने अगर देखें तो छः ऑर्डर्स प्लेस किए हैं सो सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री हंड्रेड गिव्स अस एटीन हंड्रेड ऑर्डरिंग कॉस्ट जबकि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो है हमारी उसमें जो टोटल इन्वेंट्री अगर हम बिगनिंग और एंडिंग को सम कर लें आपस में तो वो बनती है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन इसको टू पर हमने डिवाइड कर लिया तो वो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई इसके अंदर आप दूसरा तरीका ये है कि आप हर पीरियड की बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को सम करें और उसको टू से डिवाइड कर लें और फिर इन दस के दस जो एवरेज इन्वेंट्रीज आएंगी इनको सम कर लें तो यही फिगर आएगी तो दोनों तरीक़े हैं आप जिस मर्जी तरीके से कर लें ये ज़रा शॉर्ट है कि आपने सारे जो वैल्यूज़ बिगनिंग और एंडिंग की इन्वेंट्री के उनको सम कर लिया आपस में और फिर टू पर डिवाइड कर लिया तो हमारे पास इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन और जो टोटल हमने देखा तो 4,350 हमारी टोटल कॉस्ट आई है इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पर